ये व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम लोग आ चुके हैं एक और माइनक्राफ्ट की न्यू वीडियो के साथ वापस, वो भी काफी दिनों के बाद। तो क्या नाचोगे? नहीं। तो वीडियो इतने दिनों बाद क्यों आ रही ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो क्या हुआ कि मेरे एग्जाम चलने लगे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो हम लोग पहले पढ़ाई कर लेते, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत वीडियो डालेंगे। तो अब से देखो रेगुलर वीडियो आएंगी क्योंकि मेरी छुट्टियां हो गई हैं, और अब से आपको एकदम तगड़ी तगड़ी वीडियो देखने को मिलेंगी और रेगुलर भी देखने को मिलेंगी। मैं नहीं मानता। तो गाइस मान लो यार, आपको अब रेगुलर वीडियो देखने को मिलेंगे क्योंकि डेढ़ महीने की छुट्टी हो चुकी है। तो इन डेढ़ महीने में कम से कम मैं 30 या 35 वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे, और आप लोग भी सपोर्ट दिखाना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप में से इतने सारे बंदों ने देखो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर दो। तो आज के हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं क्योंकि बहुत देर से हम लोग बकवास कर रहे हैं। तो यार देखो, आज का टॉपिक है ऑप्टिफाइन फॉर माइनक्राफ्ट, जिससे कि आपका लैग फिक्स हो जाए। अब ये 1.18 के आने के बाद काफ़ी सारे बंदों का देखो 2GB रैम का फ़ोन है, तो उससे क्या होता है, उन लोगों का इतना ज़्यादा लैग करता है ना कि वो लोग सोचते हैं कि बस माइनक्राफ्ट डिलीट कर दें भाई, या फिर पुराना वर्जन डाउनलोड कर लें। बट वो पुराने वर्जन को खेलना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, और उसमें ज़्यादा चीज़ें भी हैं बट इसमें उनका लैग बहुत ज़्यादा करता है। तो इसीलिए आज ये वाली जो वीडियो है वो उन्हीं के लिए होने वाली, तो इससे लैग नहीं मारेगा। तो जो ऑप्टिफाइन है देखो, अभी मैं उसका प्रूफ देने वाला हूँ, यहाँ पर TNT भर के लगाऊंगा और उसके बाद इसको ब्लास्ट करूंगा। फिर आपको अगर लैग नजर आए तो यार ऑप्टिफाइन डाउनलोड मत करना, और वीडियो को डिसलाइक करके भी चले जाना। बट अगर नहीं करता तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं हम लोग क्या ये लैग मारता है या फिर नहीं। अगर आपको लैग मिला होगा तो भाई तो लैग जरा सा भी नहीं हुआ, बल्कि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी चल रही तब भी मेरा लैग जरा सा भी नहीं हुआ। अगर नहीं होता है तो फिर आप लोग यह सब्सक्राइब कर दो, अब तो लैग नहीं हुआ ना। तो अभी मैं आपको 2-3 प्रूफ और दूंगा, बट रहने दो, ज़्यादा हो जाएगा फिर। अगर आपको विश्वास नहीं है तो भाई मत करना, ठीक है, अगर विश्वास है तो कर लेना। तो चलो अभी मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको दूसरी चीज़, यहाँ पर क्लियर वाटर मिल जाता है, और यहाँ साइड में तो फुल ग्रास ब्लॉक भी है, और ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट वाटर जिससे कि आप ऊपर से ही सब कुछ पता लगा सकते हो अंदर क्या चल रहा है। हाँ, तो इस वाले पैक को कैसे अप्लाई करना है और कैसे डाउनलोड करना है और कहाँ से डाउनलोड करना है, ये वाली वीडियो में आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना, आपको एक एक प्रोसेस मैं बता दूंगा। चलो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि सबसे पहले जब हम लोग ब्लॉक तोड़ेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, और ये इसके मतलब कि साथ से पार्टिकल बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, इसीलिए कुछ ऐसा है। तो चलो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि कैसे इसको अप्लाई करना है। तो लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, और फिर उसके बाद अपने माइनक्राफ्ट में ऐड कर लेना, और सेटिंग्स में चले जाना, और यहाँ पर देखो ग्लोबल रिसोर्सेज में आपको यहाँ पर पैक मिल जाएंगे, बट मैं अभी यहाँ नहीं ऑन कर रहा हूँ, आप लोग ऑन कर लेना। और उसके बाद आपको यहाँ पर वर्ल्ड को क्रिएट कर लेना है, क्रिएट न्यू वर्ल्ड करते हैं, और उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने का भी एक मेथड है जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ। तो रिसोर्स पैक में जाना, और यहाँ पर आपको 2 पैक मिल जाएंगे, ये वाले कस्टम ब्लॉक ब्रेकिंग और ऑप्टिफाइन, तो इन दोनों को आपको ऑन कर देना। इसको भी हम लोग ऑन कर देते हैं, अरे भाई हाँ ये रहा एक्टिवेट का ऑप्शन, इसको एक्टिवेट कर देते हैं और रीड लेस कर देते हैं क्योंकि इसका कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। और हाँ, आपको ये ऑप्टिफाइन वाले को ऊपर कर देना, मतलब कि ये ऊपर रहेगा तभी ये अच्छे से वर्क करेगा, नहीं तो वर्क नहीं करेगा। तो उसके बाद आप इसमें सेटिंग्स भी कर सकते हो अपने डिवाइस के हिसाब से। तो आपको ऑप्टिफाइन पर क्लिक करना, सेटिंग्स पर क्लिक करना है, और इसको ऑफ इफेक्ट कर सकते हो, फिर डार्क इंटरफेस, या फिर इन दोनों को लगा सकते हो। अगर आपका बहुत ज़्यादा ही लैग करता है तो ऑफ इफेक्ट प्लस डार्क इंटरफेस दोनों रख लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर रख सकते हो अपने डिवाइस के हिसाब से। तो इसको हम लोग अभी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि मेरा डिवाइस थोड़ा अच्छा खासा है 4GB रैम का, इसीलिए यहाँ पर मैं इसको ऑफ इफेक्ट कर देता हूँ। और कस्टम ब्लॉक ब्रेकिंग वाले में भी आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मतलब कुछ भी लगा सकते हो आपको। इसमें तो एनिमेशन वाला है, इससे कुछ थोड़ा सा शायद से लैग फिक्स होता होगा, मुझे नहीं पता। तो राउंड बाइज कर लेना, तो इसको मैं इससे छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, अपनी सेटिंग्स, अपना सर्वाइवल, जो भी वर्ल्ड करना चाहते हो, नेम वेम रखना चाहते हो, वो सब कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसको मार देते हैं क्रिएट। तो जैसे मैं क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर देखो वो ऑप्टिफाइन जो है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, और कुछ ऐसा लिख के आपका आ जाएगा, और जो इंटरफेस है वो भी चेंज हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो चलो अभी हम लोग फटाफट से इस वर्ल्ड को क्रिएट हो जाने देते हैं। तो अभी हमारा वर्ल्ड जो है क्रिएट हो चुका है, और मतलब कि हाँ क्रिएट हो चुका है, उसके बाद आप बढ़िया से वर्क कर सकते हो, और इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग देख लेना।
और आपको ये ऑप्टिफाइन कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देना। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't.